हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट टू। लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम लोग आफ्टर ट्वेल्थ जितने भी सब्जेक्ट्स की हमारे पास नॉलेज है, नोट्स हैं, वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं इजी लैंग्वेज पे। और हमारे वीडियोस के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कैसे बच्चों के पास ज्यादा कंसेप्ट पहुंचाया जा सकता है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। तो उसी सीरीज में हमने इनकम टैक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, और इनकम टैक्स सब्जेक्ट में हम एक और हेड लेकर आए हैं, दैट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। उसका पार्ट वन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और पूरी एक वीडियो में आप देखिएगा, आधे घंटे की वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगी। मीनिंग, कंडीशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मेट पूरा आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा, और सेकंड वीडियो में हम सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई वैल्यू द टाइम जो आप लोगों के पास बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो चलिए, कैपिटल गेन हमारा हेड है और इनकम टैक्स हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस हेड के अंदर किस तरीके से चार्जेबिलिटी होती है टैक्स की, मतलब किन इनकम्स को टैक्सेबल किया जाता है। तो अगर हम बात करें, हमने पांच हेड डिस्कस करे हैं। कौन कौन से हेड हैं अगर आपको याद हो तो, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, सॉरी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, एंड द लास्ट वन इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो एक एक करके हम एक एक हेड को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी आपके पास बेसिक जो वीडियो थी चैप्टर वन की, और रेजिडेंशियल स्टेटस का जो क्वेश्चन आता है, फिर हमने हाउस प्रॉपर्टी का आपके साथ डिस्कस किया क्वेश्चंस। ना अब हमारे पास है हेड कैपिटल गेन। जिस तरीके से आप लोग इन चैप्टर्स को समझ सकते हैं कम टाइम में, हम उसी सीरीज में इस तरीके से क्वेश्चंस ला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो सैलरी चैप्टर है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? तो आपके अगर एग्जाम अप्रोचिंग है तो आप इन चैप्टर्स के साथ भी अपना अच्छा कंटेंट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, कैपिटल गेन कब होता है? कैपिटल गेन के लिए लिखा हुआ है एनी प्रॉफिट और गेन arising from the transfer। Now transfer का मतलब है सेल करना, गिफ्ट करना, यानी अपनी ownership को extinguish करना, यानी अब आपकी जब भी ownership खत्म हो जाती है और वो ownership आप किसी और को दे देते हैं अपनी मर्जी से, तो ऐसे केस में से ट्रांसफर बोला जाता है। तो any profit or gains arising from the transfer of कैपिटल एसेट्स, तो यहां पर इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो जब भी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी जाती है और उसे ट्रांसफर करने पर किसी भी तरीके का प्रॉफिट और गेन होता है। अभी हम सिंपल शब्दों में ट्रांसफर को सिंपल ले लेते हैं, वैसे ये वास्ट है, यहाँ पर सेल ले लेते हैं, और अभी समझने के लिए कैपिटल एसेट को एक लैंड या बिल्डिंग ले लेते हैं, राइट? तो अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग कोई भी पर्सन सेल करता है, अब मान लीजिए कि उसने लैंड एंड बिल्डिंग जो है आज से 5-6 साल पहले खरीदी थी 10 लाख रुपए की, और अब वो उसे बेच देता है 18 लाख रुपीज की, तो जो 8 लाख रुपीज का उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, उस 8 लाख को टैक्सेबल किया जाता है इस पर्टिकुलर हेड के अंदर, यानी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो यहाँ पर दो शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि कैपिटल एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट तो कैपिटल एसेट है कि जो ये हेड है वो किन एसेट्स को कैपिटल एसेट वाक्य में मानता है और किन को नहीं मानता, और जब उन कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर किया जाता है, यानी सेल किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, किसी को उसको दे दिया जाता है अपनी मर्जी से, तब ऐसे केस में जो गेन अराइज होता है, प्रॉफिट अराइज होता है, उसी को तो टैक्सेबल किया जाता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अगर हम बात करें इस चैप्टर में, अगर आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी पूछे, तो यही है कि कैपिटल एसेट क्या होती है, तो उसी को समझेंगे हम कैपिटल एसेट। बट आई होप कैपिटल गेन आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी लैंड या बिल्डिंग, हमने सिंपल लैंग्वेज में भी लिया है, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग को अगर हम बेचते हैं और उसको बेचने से हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि जितने में हमने खरीदा था उससे ज्यादा में वो बिक पाई, तो जो हमारा सेल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंट है, दैट इज प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को इस हेड के अंदर टैक्सेबल किया जाता है, राइट? अब एसेंशियल कंडीशन क्या है कि किसी भी गेन को कैपिटल गेन कब बोला जाएगा, तो सबसे पहले कैपिटल एसेट का होना बहुत जरूरी है। अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जो भी एसेट वो पर्सन बेच रहा है, सेल कर रहा है, जब भी हम पर्सन बोलेंगे तो याद है ना कौन कौन आ जाएंगे, इंडिविजुअल, HUF, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, वो सब लोग आ जाएंगे। तो जब भी कोई पर्सन कोई कैपिटल एसेट, कोई भी एसेट सेल कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चेक करना जरूरी है क्या वो कैपिटल एसेट, क्या वो कैपिटल एसेट है। अगर वो एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, फिर तो इस हेड में उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, एग्जामिन करना है कि वो कैपिटल एसेट है या नहीं, वो हम आपको आगे बताएंगे, पहले कंडीशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वेरीफाई कर लिया कि वो कैपिटल एसेट है, ओके। अगर वो कैपिटल एसेट है, फिर सेकंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि वाक्य में कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया गया है, क्या उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है? अगर ऐसा है कि उसकी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो फिर देखा जाएगा क्या उस कैपिटल एसेट को सेल करने से वाक्य में कोई गेन हुआ है।
हाँ अगर गेन हुआ है तभी उसको टैक्सेबल किया जाएगा, अगर लॉस है तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स लॉस पर टैक्स नहीं लेता, इनकम पर टैक्स लेता है। नाम भी आप देख सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट होंगे, गेन होंगे, इनकम होगी, तभी आपसे टैक्स लिया जाएगा। अब टैक्सेबिलिटी पूरे पर नहीं ली जाती, कुछ एग्जेम्पशंस भी दी गई है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ कि आपने एक लैंड था 10 लाख रुपए का आपने खरीदा था, राइट, जब कुछ 4-5 साल पहले आपने खरीदा था फॉर एग्जाम्पल, और आज आप इसे बेच देते हैं 18 लाख। वेरी गुड, आपने प्रॉफिट कमा लिया 8 लाख रुपए का, ठीक है। अब ये जो 8 लाख रुपए का गेन है, अब गवर्नमेंट कहती है जी 8 लाख रुपए का पर आपको टैक्सेबल देना पड़ेगा, बट आप कहते हैं जी हम तो ये 18 लाख रुपए का एक नया घर खरीदने वाले थे, हमको इसको खाने वाले थोड़ा ना है। तो एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन जो 54 है कुछ ऐसी ही एग्जेम्पशंस है। तो अगर आपने घर बेचा और आप दूसरा घर खरीद रहे हैं, है ना, या दूसरी जमीन खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ये जो पेमेंट है ये टैक्सेबल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप उसे री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अंडर सेक्शन 54 के अंदर कुछ ऐसी ही एग्जेम्पशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब क्या जानना जरूरी है कि कैपिटल एसेट्स कौन सी हैं और किनको कैपिटल एसेट्स नहीं बोला जाता, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकली भी और थ्योरेटिकली भी। तो यहाँ पर हमने लिस्ट ली है कैपिटल एसेट इनको बोला जाता है, और यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया है जिनको कैपिटल एसेट नहीं बोला जाता। तो कैपिटल एसेट में आप किसे इंक्लूड कर सकते हो, कोई भी लैंड और बिल्डिंग है, ज्वेलरी एक्सेप्शन है, पर्सनल एसेट्स होती है ये, लेकिन ज्वेलरी को इसके अंदर कैपिटल एसेट ट्रीट करा जाता है। जो ऑर्नामेंट्स गोल्ड सिल्वर या प्लेटिनियम से बने हुए हैं ज्वेलरी, उनको कैपिटल एसेट माना गया है और उनकी सेल पर होने वाले गेन को इस एक्ट के अंदर टैक्सेबल करा जाता है। कुछ खास पेंटिंग्स हो गई जो कि बहुत रेयर पेंटिंग्स होती हैं, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो गई, ठीक है, ड्रॉइंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो इस तरीके की चीजों को कैपिटल एसेट ट्रीट किया गया है। और अगर इन एसेट्स की सेल करी जाती है और उनसे होने वाला गेन अगर होगा तो उसे टैक्सेबल जरूर किया जाएगा, राइट। लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें इसमें और भी आ सकती है, एक्सेट्रा अभी भी बाकी है, जैसे शेयर्स वगैरह को भी कैपिटल एसेट ट्रीट करा जाएगा, तो इसकी लिमिट बहुत हद तक तय करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये याद कर लें कि कैपिटल एसेट में कौन सी चीजें नहीं आती, तो आई थिंक सो वो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर अभी भी डैश डैश चल सकता है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी कैपिटल एसेट्स हो सकती है। तो ज्यादा बेटर है कि हम ये लिख दें कि कौन सी कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो ये वो है जिन्हें कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करा जाता, ऑब्वियसली इनकी सेल पर कैपिटल गेन नहीं होगा। जैसे किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन के पास उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी सेल से होने वाले बेनिफिट को इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल किया जाएगा, वो उसकी एसेट थोड़ा ना है वैसे भी। तो स्टॉक इन ट्रेड जो एक बिजनेस प्रोफेशन के पास पड़ा हुआ है वो कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल एसेट्स में ही, जैसे आपके पास वेयरिंग अपेरल्स हो गए, जैसे महंगे आपके पास कपड़े हो गए जिसमें कुछ भी आपने महंगी चीजें गड़वाई हुई है, या फर्नीचर हो गया आपके घर का, या कार स्कूटर हो गया, इनको देखकर लोगों को लगता है कि कैपिटल एसेट है, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इसको अलग रख रखा है, इनकम टैक्स एक्ट ने इसे अलग रख रखा है, ये कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करी जाती। जैसे कि कार स्कूटर पर्सनल एसेट्स की चीजें हैं, पहनने के कपड़े हैं, फर्नीचर हैं, तो इनको अलग रखा गया। लेकिन जब आप पर्सनल एसेट्स की बात करते हो तो भाई ज्वेलरी को टैक्सेबल जरूर किया गया, राइट। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, जो एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया, क्या इंपॉर्टेंट है, रूरल एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करा जाता। ऑब्वियसली बात है अगर अर्बन एरिया में होगा तो उसे कैपिटल एसेट ट्रीट करा जाएगा और वो टैक्सेबल भी होगा। लेकिन जो रूरल एरिया वाले लैंड है उनको लेकर भी एक एक्सेप्शन है। अगर जो एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया में वो 8 किलोमीटर अर्बन लैंड के प्रॉक्सिमिटी में आता है, यानी आसपास आता है, तो ऐसा माना जाता है कि अर्बन लैंड की जो फैसिलिटीज है वो इनको मिल जाती है, राइट। तो ऐसे केस में भी उसे रूरल लैंड नहीं माना जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि रूरल एरिया में वो जो लैंड होना चाहिए वो 8 किलोमीटर की बाउंड्री में नहीं आना चाहिए अर्बन लैंड के। इसके अलावा कुछ खास तौर के बॉन्ड्स हैं, जैसे 6.5% हमने ऑब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है, 6.5% गोल्ड बॉन्ड और 7% गोल्ड बॉन्ड, इसके अलावा नेशनल डिफेंस बॉन्ड, तो ये सारी चीजों को कैपिटल एसेट नहीं ट्रीट करा जाता। तो अगर आपके पास एग्जांपल पेपर में आप देखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आता है विच आर टर्म्ड एज कैपिटल एसेट विच आर नॉट, तो आप ये दोनों चीजों को लिस्ट करके दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कैपिटल एसेट की, तो लिस्ट और ऐड हो सकती है, नॉट कैपिटल एसेट में लिमिटेड ही बॉन्ड्स हैं। तो आपके पास आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल एसेट क्या है, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, इक्विटी, शेयर्स, और भी धीरे धीरे इसमें एडिशन होते जाएंगे, और नॉट कैपिटल एसेट भी आपको क्लियर करा। अब हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, इस जो इस वीडियो की स्टार्टिंग है कि अगर आप किसी भी एसेट को सेल करेंगे, है ना, तो उससे जो गेन होगा, किसी भी एसेट नहीं, सॉरी,
कैपिटल एसेट, राइट। अब हमें पता है कि कैपिटल एसेट का मतलब क्या है, नोट्स बनाते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट तो इधर उधर चले जाते हैं, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जैसे ही आपको समझ में आया अपना रजिस्टर पेन लीजिए और फिर उसके नोट्स बनाइए ताकि आपको वो चीज मेमोराइज भी हो जाए, राइट, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब बात ये आती है कैपिटल एसेट्स से जो गेन होती है उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। एक है हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट समझना जरूरी है उसके लिए। तो कैपिटल एसेट हमें समझ आ गया और ये भी समझ में आ गया कि किनको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए हमने यहाँ पर एरो बनाए हैं। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल यही है कि कोई भी कैपिटल एसेट जो विद इन 3 ईयर्स में बेच दी जाती है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं, क्योंकि इससे आपने 3 साल से कम पीरियड के लिए रखा। और ऑब्वियसली बात है फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होगी, जिन्हें आप 3 साल से ज्यादा पीरियड के लिए रखें। लेकिन ये जनरल रूल है किसी भी एसेट के लिए। लेकिन ये 4 एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें ये जो 3 ईयर का पीरियड है, ठीक है, उसे 2 ईयर के पीरियड में बदल दिया गया। यानी अगर इन 4 एसेट्स को 2 साल के अंदर बेच दिया जाता है तो ये 4 एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही अराइज करेंगे, है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा हमारे पास, राइट। तो ये 4 एक्सेप्शंस क्या है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, अगर इनकी बारी आई इनको आपने 2 साल के अंदर बेच दिया तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, राइट। कोई भी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड है, या फिर यूटीआई की यूनिट या म्यूचुअल फंड, शेयर्स की तरह ही होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट है, मतलब उनका शेयर है आपके पास, या जीरो कूपन बॉन्ड, बॉन्ड क्या होते हैं आपके पास डिबेंचर होते हैं और उन्हीं में खास टाइप के डिबेंचर को जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है। तो इन 4 चीजों पर आपके पास एक्सेप्शनल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब हो जाएगा अगर इन्हें 2 साल के अंदर बेच दिया गया, यानी अगर इन्हें 2.5 साल बाद बेचा जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं आएंगी। तो इन 4 को छोड़कर बाकी कोई भी एसेट अगर 3 साल के अंदर सेल कर दी जाती है तो उससे जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इन 4 को अगर 2 साल तक रखा जाता है तो ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर 2 साल से ज्यादा रखा जाएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बड़े आराम से क्लियर हो गया, राइट। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका फुल फ्लेज फॉर्मेट क्या है, फिर एक एक करके उसकी चीजों को समझेंगे। तो हमने देखिए फुल फॉर्मेट आपको समझाया था पहले भी हाउस प्रॉपर्टी में भी, एक एक चीजें करके तोड़ के नहीं समझाएंगे, ये फुल फॉर्मेट है आपके पास। बस हाँ, 2 टाइप के गेन है हमारे पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग है, तो दोनों के लिए अलग फॉर्मेट। तो ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, बस इसमें चीजें जो है वो बहुत वास्ट है ना। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हाउस प्रॉपर्टी जितना सिंप्लीफिकेशन नहीं है, इसमें कैपिटल एसेट तरह तरह की है, उनको लेकर अलग अलग रूल है, पर पहले हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल सेकंड पार्ट है हमारा। चलिए तो सबसे पहले हमने लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अगर होगी तो हमने आपको बताया शेयर्स के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 2 साल का पीरियड और अगर बाकी एसेट्स हैं तो 3 साल। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मेट है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, यानी जितने भी आपने एसेट बेची पहले तो आपको पता चल जाएगा 3 साल के अंदर बेच देंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही अराइज करेगी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को अगर आप ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, तो क्या अराइज होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं यही हम इस फॉर्मेट में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखी जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है, बदले में आपको मिला, आपने अपनी कैपिटल एसेट दी, इन रिटर्न आपको जो पैसा मिला उसे बोलते हैं कंसीडरेशन, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या सेल वैल्यू उसे लिखेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी कितने में भी बेची तो आपके कुछ खर्चे भी तो हो सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हमने कोई प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की बेची, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या उसकी सेल वैल्यू है, लेकिन ये सारा टैक्सेबल होना सही नहीं है ना, है ना। तो इसमें से क्या क्या माइनस करा जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी उसकी खरीद की कॉस्ट, यानी आपने उसे कितने में खरीदा था। अब मान लीजिए कि हमने उसे 12 लाख रुपए में परचेज करा था उस लैंड को, तो 12 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, खरीद प्राइस, कितने में आपने उसे बाय किया था, परचेज किया था। फिर एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इतना ही नहीं हमने इसको अपने पास रखकर 2-2.5 साल के अंदर ही हमने इस एसेट को बेच दिया। मान लीजिए हमने जनवरी 2010 में खरीदी थी और 2012 में हमने इसको बेच दिया, 2 साल के अंदर ही बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हमारा। हमने 12 लाख रुपए की इसको खरीदी थी और इस पर इंप्रूवमेंट पे भी बहुत पैसा खर्च करा, तो मान लेते हैं कि हमने 2 लाख रुपए इसकी इंप्रूवमेंट पे खर्च करा, यानी इसकी रिपेयर वगैरह पर, इस पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कराने पर भी खर्च करा 2 लाख रुपए, वो हो गए। फिर होता है एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट।
अब भाई ये एसेट हम तो बिकवा नहीं पा रहे, बीच में ब्रोकर है वो बिकवा रहे हैं तो वो कमीशन ले रहे हैं, तो मान लेते हैं कि वो हमसे 1 लाख रुपए कमीशन चार्ज कर रहे हैं। तो अगर बेचने पर कोई डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे या फिर कोई कोई भी मीडिएट इंटरमीडिएट है उसको आप पैसा दे रहे हो, तो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। भाई एसेट खुद से नहीं बिक जाती है ना, कई बार अगर बिक जाएगी तो ये वाला खर्चा आपका बच जाएगा, नहीं तो आपको ये खर्चा जरूर देना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट उनको माइनस करने के बाद अब आपके पास जो बचेगा वो होगा आपका कैपिटल गेन। तो अब देखिए 15 लाख रुपए मेरा यहाँ पर एक्सपेंस हो गया, तो 5 लाख रुपए मेरा ग्रॉस कैपिटल गेन है। अब ये जाके टैक्सेबल नहीं होता, हम अंडर सेक्शन 54 के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस देखेंगे जिसको हम आपको डेफिनेटली बाद में बताएंगे। उन एग्जेम्पशंस को माइनस करने के बाद आपका क्या तैयार होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को अगर बेचा जाएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी होंगी, उन चार को छोड़कर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो होंगी जो 3 साल से ज्यादा रखी जाती है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को जब आप सेल करेंगे और उससे जो गेन होगा उसे हम किस हेड के अंदर टैक्सेबल करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल करते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट, इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो वही आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कितने में हमने उसे बेचा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 50 लाख रुपीज में एक लैंड बेचा और हमने जो ये लैंड खरीदा था ये 20 ईयर्स बैक खरीदा था, राइट 20 साल पहले खरीदा था और आज हम इसे बेच रहे हैं तो हमें 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसमें एक अलग वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इंडेक्स्ड। ये क्या वर्ड है, बहुत नॉर्मल सी बात है, मैंने जब इसे 20 साल पहले खरीदा था तो ये सिर्फ 5 लाख रुपए का था, राइट, या फिर मान लीजिए 2 लाख रुपए की मुझको ये मिल गई थी प्रॉपर्टी 20 साल पहले रेट जो थे, और अब रेट में बहुत फर्क आ चुका है प्रॉपर्टीज में, राइट। तो 20 साल पहले हमने इसे 2 लाख रुपए का खरीदा था। अब अगर आप यहाँ 2 लाख रुपए का खर्चा माइनस करते हो तो 50 लाख में से सिर्फ 2 लाख रुपए की खरीद अगर है तो 48 लाख रुपीज का गेन नजर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा गेन नजर आ रहा है, विच इज रॉन्ग। तो खुद जो पर्सन होगा वो गवर्नमेंट को कहेगा कि ये तो गलत है ना भाई, देखिए अगर मेरा आज 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बिक रही है तो अगर मैं इसे खरीदने जाऊं दोबारा से तो सर अब ये 2 लाख की थोड़ा ना मिलेगी, अब तो ये मुझे महंगी मिलेगी ना, तो आप प्लीज थोड़ा सा जेन्युइन प्राइस दें। गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या किया हुआ है, इस एक्ट के अंदर क्या किया हुआ है, इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि जो 20 साल पहले की प्रॉपर्टी है उसे आज प्रेजेंट के हिसाब से एक प्राइस निकाला जाएगा जो गवर्नमेंट ने इंडेक्स तय कर रखा है, उसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। जैसे अगर मान लीजिए 20 साल पहले कोई चीज 100 रुपए की मिल रही थी तो आज वो 192 रुपीज की मिल रही है, 100 रुपए की चीज 192 की मिल रही है, तो जो 2 लाख रुपए है, चलिए 200 कर देते हैं इसको, ठीक है, जो 20 साल पहले 100 रुपए की चीज मिल रही थी आज 200 रुपए की मिल रही है, डबल रेट पे मिल रही है ऑब्वियसली, तो जो 2 लाख रुपए की चीज है वो डबल रेट पे मिल रही होगी, ठीक है, तो आपके पास इसको हमने कर दिया 4 लाख रुपए। तो ये होती है इंडेक्सिंग, यानी आप उसे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 100 रुपए की जो 20 साल पहले की चीज थी वो आपके पास 2000 रुपए की मिल रही है, सॉरी 1000 रुपए की मिल रही है, 10 times हो गई आपके पास, 10 times हो गई आपके पास। तो सिमिलरली जो ये प्रॉपर्टी है 2 लाख रुपए की, ये आज से 20 साल पहले अगर 2 लाख की थी तो आज ये 20 लाख के करीब है, तो उसी को इंडेक्सिंग कहा जाता है, यानी उसको आज के हिसाब से वर्थ निकाला जाए और फिर कंपेयर किया जाए तभी बेटर रहेगा, नहीं तो 20 साल पहले के रेट पे और आज के रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला जाता है 20 लाख, जिसके लिए आपको इंडेक्सिंग दे रखी होगी, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत, राइट। सिमिलरली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अब 20 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी तो 12 साल पहले यानी सेल करने के 12 साल पहले आपने इंप्रूवमेंट भी कराई थी, अब वो इंप्रूवमेंट भी आपने 70,000-50,000 की कराई थी, लेकिन आज 12 साल बाद 50,000 रुपए की जो इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट का मतलब नया फ्लोर बनाना भी हो सकता है ना, तो नया पार्ट ऐड करना भी हो सकता है प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसकी भी इंडेक्सिंग करी जाएगी। इंडेक्सिंग मतलब उसे आज के वर्थ के हिसाब से निकाला जाएगा तभी कंपैरिजन ठीक होगा। तो मान लीजिए अगर हमने इंडेक्सिंग निकाली वो 50,000 रुपए का जो हमने कराया था आज वो 10 लाख रुपए के करीब करीब का है, और हमारा सेल वगैरह करने में 1 लाख रुपए का जो खर्चा है वो और हो गया, डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, ब्रोकरेज वगैरह को चूज करने में। नाउ कंपैरिजन इज गुड, 50 लाख रुपए की आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं लेकिन 31 लाख रुपीज जो है हमारे ऑलरेडी उस पर क्या हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं। फिर हमारा यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रॉस कैपिटल गेन, और ये जाके टैक्सेबल नहीं होता। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं फिर से अपने लिए प्रॉपर्टी बाय करने में, घर खरीदने में, तो आपको सेक्शन 54 के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं, बहुत अच्छी एग्जेम्पशंस हैं, वो एग्जेम्पशंस आपको अवेल हो जाएंगी, और हो सकता है आपका कुछ भी टैक्सेबल ना हो, और अगर आपने री इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
राइट right? तो ये आपके पास फुल फॉर्मेट है अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें। उसके बाद आपके पास हम इसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके। फिलहाल के लिए जो फर्स्ट क्लास है उसमें आपको इतना समझना काफी है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तब आपको बहुत स्मूथ हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप हमारी वीडियोज आपको यूजफुल लगे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो अपने कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।